अस्सलाम वालेकुम। कैसे अलादीन आने वाली एपिसोड में बैसिलिस्क को पकड़ेगा, इस बार आज हम बात करेंगे और बाला और सादत खातून के बारे में बात करेंगे कि आखिर ये किस वजह से लड़ रही थी, इस बार भी बात करेंगे और आखिर में किलों के बारे में बात करेंगे, क्या किले उस्मान पे दे देंगे। लिहाजा ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं बैसिलिस्क की, यानी कि फैसल की। आप लोगों ने ट्रेलर में देखा होगा, जब फैसल कमरे में था तो वहाँ पे अलादीन की एंट्री हुई। फैसल काफी परेशान हुआ, जिससे ये जाहिर होता है कि अलादीन को इस पर शक हो चुका है। लेकिन मेरे ख्याल में अलादीन यहाँ पर गेम खेलेगा। जब फैसल से कुछ पूछेगा तो फैसल कोई ना कोई बहाना बना देगा, लेकिन जो अलादीन है वो एक गेम खेलेगा, फैसल के लिए एक जाल बिछाएगा। फैसल को ये दिखाएगा कि उस पर किसी को भी शक नहीं है और जो होलाफिलो को कैद करने वाला सीन है वो भी मेरे ख्याल में इसी मनसूबे का हिस्सा होगा। होलाफिलो को अलादीन कैद करेगा ताकि फैसल का राज सबके सामने लाया जा सके। फैसल को कोई ना कोई कहीं देख लेगा, जिस वजह से इस पर शक जाएगा और फिर अलादीन कुछ ऐसा करेगा जिसके बाद इसका राज सबके सामने लाया जा सके। अलादीन एक मनसूबा तैयार करेगा, होलाफिलो को कैद कर लेगा और फिर फैसल के ऊपर नजर रखेगा। जैसे कि आप बेंदरबे के बारे में जानते हैं, बेंदरबे को भी उस्मान बे ने ये कहा था कि तुम उस्ताद गिरा पर नजर रखो। हो सकता है कि बेंदरबे ने फैसल को देखा हो, जिस वजह से इस पर शक जाएगा। खैर, जो अलादीन ने मनसूबा बनाया है, उम्मीद है कि आने वाली एपिसोड में कामयाब हो जाएगा। जब ये कामयाब होगा फिर इसका खात्मा भी होगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको वाजे कर दूँ, ये मेरे ख्याल में पकड़ा नहीं जाएगा, भाग जाएगा। अगर पकड़ा जाता है तो फिर उस्ताद गिरा इसको बचा लेगा। अगर बात करें खवातीन की, जो कि आपस में लड़ रही हैं, इसके पीछे क्या वजह है, इस पर बात करते हैं। नाज़रीन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि सादत खातून बहुत कुछ ऐसा कर रही है जिस वजह से मालूम काफी परेशान है। जब बाला यहाँ पर आएगी तो वो भी इसी तरह परेशान होगी और मेरे ख्याल में जब होलाफेर को पकड़ा जाएगा वहाँ पर ये सब जाएगी। वहाँ पे किले देने की बात होगी, जिसके बाद इनकी आपस में झड़प होगी। झड़प ज्यादा नहीं होगी, जहाँ पे जाटताई भी है और दूसरे सिपाही भी है जो की इनको रोक लेंगे। ये सिर्फ एक दूसरे को धमकाएंगे और ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। रही बात आखिर में किलों की, तो जैसे हम पहले आपको एक राय दे चुके हैं की अगर उस्मान में किले देते हैं तो फिर फौरन वापस हासिल कर लिया जाएगा। मेरे ख्याल में पहले लेफ्ट के किले दिया जाएगा और जो उस्मानबे के दूसरे किले हैं उनको भी दिया जा सकता है। यहाँ पे मैं आपको वाजे कर दूँ, इसके पीछे उस्मानबे का एक मनसूबा होगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको वाजे कर दूँ, जब किले दे दिए जाएंगे, महमूद को और रहान को बचा लिया जाएगा, उसके बाद किलों के ऊपर वापस हमला किया जाएगा। तो इन सब के बारे में आपकी क्या राय है? आप लोगों की जो भी राय हो, आप लोग अपनी राय लास्ट में दीजिएगा।